टाइटल आपको देख के पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि डॉगियों की क्या टाइम टेबल होना चाहिए फूड का समर और विंटर में। तो गाइस समर का जो होना चाहिए वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर वो 1 वीक से 1 मंथ का हुआ तब आपको देना चाहिए उसे सिर्फ सेरेलैक्स, मिल्क का नहीं वाटर का। आप जैसे उसमें 2 टेबल स्पून आप उसमें डाल सकते हैं सेरेलैक्स और 1/2 ग्लास वाटर डाल के आप मिक्स कर सकते हैं, उसे सर्व कर सकते हैं। और हाँ बेसिक चीज़ है, आप हमेशा सर्दियों और गर्मियों दोनों में ही आप थोड़ा थोड़ा उसके एक बाउल बना लीजिए, या कोई परचेस कर लीजिए, उसमें वाटर ज़रूर डाल दें 1-1 ग्लास, छोटा या बड़ा हो वाटर ज़रूर पिलाना है डॉगियों को। बिना वाटर के इन लोगों को बहुत सारे दाने हो जाते हैं पैरों के पास, चीक्स लगने लगती हैं। हाँ चीक्स के छुटकारे के लिए पाउडर आता है मार्केट में, आप कहेंगे चीक्स का पाउडर चाहिए तो डॉक्टर लोग आपको दे देंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी MRP 200 रुपीज़ का प्राइस होता है सिर्फ, वो आप मार्केट में परचेज़ कर लीजिए। और एक डॉगियों की स्पेशल कोम आती है 200 रुपीज़ के अंदर होती है, वो उससे भी कम मिलती है। वो उसके मतलब झाड़ेंगे तो आप उससे आपको चीक्स दिख जाएंगी जो कि डॉगियों में बहुत होती हैं। एंड और हाँ अपने डॉगियों को गंदी जगह बिल्कुल भी ना ले जाएं, जैसे कि मिट्टी वाली जगह, पार्क ले जाए, पार्क के लिए मना नहीं है, मैदान में ले जाएँ वहाँ पर भी नहीं, ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी गंदी मिट्टी हो, पत्थर ईंट पीट हो, जिसे ये खा के बीमार पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी अभी इन्हें दूर रखना है क्योंकि अभी ये छोटे होते हैं। जब ये 1 ईयर का हो जाए तो आप इन्हें कहीं पर भी ले जाइए, नो प्रॉब्लम, नो एनीथिंग। और रही बात इनके काटने की, तो काटने की बात क्या होती है कि ये 6 मंथ तक के सभी डॉग काटेंगे आपको। मेरे पास भी एक डॉग है, अभी वो थोड़ा एग्रेसिव है, 4 मंथ का भी नहीं हुआ है, अभी 3 मंथ का है, 4th मंथ का इसी मंथ हो जाएगा वो। हाँ मेरे टफी का, मैं अपने डॉग के बारे में बताता हूँ, मेरा डॉग बीगल है उसकी ब्रीड, वो अभी 3 मंथ्स का है, 12 अप्रैल को उसका वो होता है बर्थडे, 12 अप्रैल को वो पैदा हुआ था, तो इसी 12 अप्रैल को वो पैदा हुआ था। तो अभी अगस्त आ जाए, अगस्त 5, तो गाइस ये अगस्त 12 तक के हो जाएगा ये 4 मंथ का। तब इसका 4 मंथ के बाद हम लोग इसे पेडिग्री तो अभी खिला ही रहे हैं, धीरे धीरे इसको अभी हम लोग नॉनवेज तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो अभी हम लोग धीरे धीरे इसका दूध मतलब खाना पीना देंगे इसे। अभी तक के हम लोग दूध रोटी, पेडिग्री या दही रोटी यही सब दे रहे थे। और जब जून जुलाई के मतलब महीने में जब थोड़ी ज़्यादा गर्म रहता है तो छीन छांस दें आइस डाल के, छांस में आइस मत डालिए मगर वाटर में इनके आइस डाल के ठंडा ठंडा पानी दे दीजिए, तीन वो अच्छा लगेगा। मगर इन्हें ठंडा पानी नुकसान नहीं करेगा, मगर उसको जून ही जुलाई में दीजिए, बाकी दिन इन्हें नुकसान कर सकता है। अब इनका टाइम टेबल क्या कहते हैं, हाँ तो अभी जब ये 1 मंथ से अगो हो जाए तब आप इन्हें सेरेलैक्स दीजिए, सेरेलैक्स तब भी दे सकते हैं आप, पहले भी इनका एक अलग सेरेलैक्स आता है, वो बेबी वाला नहीं, वो आप 1 मंथ के दीजिए। और जो न्यू सेरेलैक्स आजकल आया हुआ है मार्केट में, नया लैक्स उसका नाम है, अब वो परचेज़ कीजिए, वो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा मगर आप उसे खरीदेगा आपको इन्हें असर दिखेगा, ये लोग आपको मतलब ये थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे। अभी आपको अगर इन्हें हेल्दी बनाना है, इनका मुँह थोड़ा मोटा रखना है तगड़ा, तो अब आपको इन्हें कैल्शियम देना पड़ेगा, कैल्शियम की बोन्स, कैल्शियम की बोन दे सकते हैं आप इसे। और भी बहुत कुछ हम मटेरियल आता है, आप शॉप पर जाएंगे वहाँ पे आपको, मैं इन्हें बिस्किट्स खिलाइए। और इन्हें ट्रेनिंग कैसे देनी होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आपके डॉग का फेवरेट फूड है पेडिग्री का, आप पहले से बोलिए सिट, यूँ इन्हें पकड़ के बैठा दीजिए, बैठ जाएगा तो आप इसे एक पेडिग्री दे दीजिए, जो भी पसंद है एक बिस्किट दे दीजिए, वो फिर खुश हो जाएगा। फिर वो जब खड़ा हो तो आप उसे बोलिए सिट, वो बैठ जाए तो आप उसे फेंक दीजिए। ऐसा आपको 1 वीक तो करना ही करना है, 1 वीक के बाद आपको थोड़ा बहुत असर इसमें दिखेगा। ये इनकी ट्रेनिंग का बेसिक्स हो गया। तो जब ये 1 मंथ के अगो हो जाए तो आप इन्हें कुछ भी खिला सकते हैं, मगर 1 मंथ के अंदर ही अंदर आपको थोड़ी रखना पड़ेगा इनका ख्याल, क्योंकि ये थोड़ी नोटे भी होंगे तो ये थोड़ी शरारतें भी कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें नीचे ले जाएं जहाँ पे थोड़े, और इनको जब अगर आप नीचे ले जा रहे हैं तो नीचे ना ले जाएं जब तक इनकी वैक्सीन पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि छोटे कुत्तों को जो वहाँ पे बड़े कुत्ते होते हैं उनसे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन यानी कि फिर इनको थोड़े बीमार पड़ सकते हैं, एक बात नहीं करेंगे एकदम, इन्हें रोएंगे ये लोग, ये आपको लग रहा होगा मजाक है रोना, मगर ये रोग रोते हैं इनके, यहाँ पर राख सा हो जाता है गाइस। तो अभी आप लोगों को पता ही होगा गाइस, ये लोग रोएंगे ही रोएंगे,
तो अभी आपको नीचे अभी नहीं ले जाना चाहता कि 6 मंथ के नहीं हो जाए, और ले जाए तो आप एक लाठी ज़रूर ले लें, क्योंकि खुद मेरे पास भी एक पेन था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक पेन था लीब्रा डोर था, वो ब्लैक कलर का, अभी तो मेरे पास बीगल है फिलहाल, वो ब्लैक कलर का लीब्रा डोर था, मगर वो उसे कुछ कुत्तों ने मिलके काट लिया उसके पीछे, उसे बहुत इंजेक्शन लगे, बहुत दर्द हुआ, वो बहुत भूखा। एक तो वो फीमेल डॉग था, मेन तो दिक्कत ये थी फीमेल। आपके पास जो मेरा डॉग है वो मेल है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, आपको सब पता चल जाएगा। और इस वीडियो को आप लाइक करिएगा ज़रूर अगर आपको अच्छी लगे। अगर आप डॉग लवर से तो आप बीगल ज़रूर खरीदें, क्योंकि बीगल डॉग ही एक सबसे एक्सपेंसिव और बहुत क्यूट डॉग है। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने डॉग से भी मिलवाऊँगा, उसकी फेस रिवील भी करूँगा, और फिर हम धीरे धीरे उसके बारे में सब बताएंगे धीरे धीरे गाइस। तो अभी आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अगर आप मैं हूँ आपका न्यू हो क्या कह सकते हैं फ्रेंड हूँ मैं आपका एक, तो आप फ्रेंड समझिए मुझे, लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, तो मैं रोज डेली आपको एक एक वीडियो डाला करूँगा डॉग्स के लिए। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं पिटबुल खरीद लेंगे तो पिटबुल भी खरीद सकते हैं, मगर वो थोड़ा डेंजर डॉग है। अगर आपको गार्ड डॉग ख़रीदना है और डेंजर भी, तो सबसे अच्छा आपके लिए जर्मन शेफर्ड, जी हाँ जर्मन शेफर्ड, वो मतलब घर के लिए बहुत अच्छा गार्ड भी, गार्ड डॉग भी आप अगर देखेंगे तो गार्ड डॉग भी है, तो ज़रूरत पड़ने पर वो डेंजर डॉग भी बन जाते हैं। लीब्रा डॉग की तो बात ही अलग है, वो इतने समझदार डॉग होते हैं कि मतलब वो अपने 6 मंथ के अंदर ही अंदर सीख जाते हैं बाथरूम में टॉयलेट करना, बाकी कुत्ते भी सीख जाते हैं, मगर लीब्रा डॉग को उतना ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती जितना बीगल को देनी होती है। लीब्रा डॉग, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बीगल ज़्यादा ख़राब है या लीब्रा डॉग अच्छा है, मैं बता रहा हूँ कौन सा चीज़ ज़्यादा बेस्ट है किन चीज़ों में। बीगल भी अच्छे हैं, हाँ बीगल सबकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हमेशा कुत्ते फांदते रहते हैं, कभी शांति से नहीं बैठेंगे शांति। अगर आप सोच रहे हैं नया डॉग अडॉप्ट कर लीजिए, तो हाँ आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अपने डॉगी की वीडियो जल्दी शेयर करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।